सो चलिए गाइस, अब हम लोग वीडियो में आगे क्या देखने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन, मतलब ये जो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना रहा था उसको बनाने का आसान तरीका जो कि फिशर ने दिया। ध्यान से उसको समझिएगा। फिशर क्या कहते हैं, बार बार ऐसी हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आपने बनाया था, देखिए कार्बन ले रहे थे आप, उसके ऊपर जैसे कि दो प्लेन के अंदर आप कंपाउंड लगा रहे थे, एक यहाँ पर लगा दिया था मान लीजिए CH3 और यहाँ पर लगा दिया था C2H5 लगाया था। उसके बाद आपने एक प्लेन से बाहर आपकी तरफ लगाया था क्लोरीन और एक आपसे दूर हाइड्रोजन को लगा दिया, ये कायरल कार्बन था, यस और नो? अब इसको बनाने के लिए समझ चाहिए, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। अब इसको आसान तो बनाए कम से कम, वो कहता है कि भैया इसको आसान बनाया जा सकता है, इसका आसान एक तरीका है जिसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले जरा ध्यान से उसको देखिए, इस कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो आप एक काम करो, आप एक सिंपल क्रॉस बनाओ ऐसे, सबसे पहले क्रॉस बनाओ। आप देखिए क्रॉस में इमेजिन करो कि बीच में वो कार्बन है, ठीक है, जिसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं, क्लियर होता है? अब उसकी चार वैलेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, ध्यान से उसको देखिए। जब भी आपको ऐसा क्रॉस दिख जाए समझ जाइएगा कि वो फिशर प्रोजेक्शन है, अदरवाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसको देखोगे तो यहां तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना बच्चों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109.28 डिग्री एंगल होता है। तो जब भी आपको ऐसा क्रॉस दिख जाए समझ लीजिएगा उसका फिशर रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर होता है? अब वो क्या कहता है, जरा ध्यान से उसको समझिए। वो ये उसने रूल बनाया कि फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप अबव द प्लेन सोचोगे, ठीक है, इमेजिन इट अबव द प्लेन, मतलब ये आपकी तरफ आ रही है। इसको वेज लाइन से दिखा देता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं नीचे लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब ये छोटे छोटे से रूल है जिसको आप समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास दिखाई दे रही है उसको आपको कैसे इमेजिन करना है, ये अबव द प्लेन है, ठीक है, अबव द प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अबव द प्लेन, ये प्लेन से आपकी तरफ आ रही है। और जो वर्टिकल लाइन है वो कैसी है, वो डैश लाइन, ये बिलो द प्लेन है, क्लियर होता है सब लोगों को? मतलब ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं, ये आपसे पास आ रहे हैं, ये आपके दूर जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये कैसा है, बिलो द प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो द प्लेन, समझना बड़ा ही आसान है। ये देखिए ये दोनों आपको गले लगा रहे हैं यूं करके, ये ऐसा है, जरा समझिए, जैसे इंसान खड़ा है। अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और मैं खुद वर्टिकल हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो अबव द प्लेन है, इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, अबव द प्लेन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन, आपसे दूर जा रही है, ये आपके पास आ रही है, ये आपसे, मैं आपसे दूर जा रहा हूं, क्लियर होता है? तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, इसको इस तरह से इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद वो सिंपल सी एक बात बोलता है कि भाई इसमें इमेजिन तो आपको ऐसे करना है, बनाना आपको ऐसे। अब जरा ध्यान से उसको देखिए, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास आ रही हैं, तो वो वहां पे कैसे इमेजिन करोगे? तो वो क्या कहता है, जरा ध्यान से उसको देखो। अब उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं इधर, ध्यान से उसको देखिएगा। अब देखिए वो कहता है कि तुम ना इस मॉलिक्यूल में यहां पे आके खड़े हो जाओ, ध्यान से उसको देखो, इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यहां पर आके खड़े हो जाओ, जैसे कि मैं यहां आके खड़ा हो गया। अब यहां पर ये आपकी आई है, ध्यान से उसको देखिए, और आप इस मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हो। अगर आप यहां से देख रहे हो जरा सोचो कि ये दोनों आपको कहां आते दिखाई देंगे, आपकी तरफ ऐसे यूं आते दिखाई दे रहे हैं, देखो, और ये आपसे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। अब हो गया ना आपके लिए आसान, इसका मतलब ये दोनों को तो आपको कहां ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टली, और जो पीछे वाले उनको कहां ड्रॉ करना है, वर्टिकली। आप यहां पे आके खड़े होके इसको देखिए मॉलिक्यूल को, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये दोनों आपको आपकी तरफ आते दिखेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों को आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है, जबकि इन दोनों को आपको वर्टिकल लाइन पे बनाना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए, इस तरफ है क्लोरीन, इस तरफ है हाइड्रोजन, इधर से देख के देखिए, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो इसे बना दीजिए, यहां पर हो गया आपके लिए क्लोरीन और यहां पर हो गया आपके लिए हाइड्रोजन, कितना आसान है। देखिए खुद से देखिए, वहां से देख के कोशिश करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने क्लोरीन और हाइड्रोजन का लगा दिया, और ये वर्टिकल लाइन पे लगाना, ये हो गया आपके पास CH3 और ये क्या हो गया C2H5। अब ये देखिए, इससे आसान तरीका तो क्या हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है, दिख गया सब लोगों को? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी, और फिशर प्रोजेक्शन से देखिए आसान है। ये आपने मॉलिक्यूल बना दिया आपने, मान लीजिए कि भाई ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाता है, ठीक है, तो प्लस वाला कंपाउंड है। अगर इसकी मिरर इमेज बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले क्रॉस बनाओ, इधर हाइड्रोजन दिखेगा उसके जस्ट सामने, तो हाइड्रोजन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, इधर क्या लगा दिया CH3 और इधर क्या लगा दिया C2H5,
ये देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसकी क्या बना दी, मिरर इमेज, जो कि इसको कैसे घुमाएगी, माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। अब इससे आसान तरीका क्या होएगा, बस आपको क्या करना है, इमेजिन करना कि भैया यहां पे खड़े होकर आप जब देख रहे हो तो ये दोनों आपके पास आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे बनाओगे, ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं तो वर्टिकल पे बनाओगे। आ गया सबको समझ में? तो यहां पर ये मैंने उसके क्या कर दिए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना दिए, डीएल स्ट्रक्चर्स यहां पे बना दी, स्मॉल डी स्मॉल एल, क्लियर होता है? एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि सपोज कीजिए इस बार हम लोग एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का, ले लेते हैं, ये देखिए जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का अगर आप यू नो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन है, उसके जस्ट ऊपर सी डब्ल्यू एच है और उसके इस तरफ सी एच थ्री है, ठीक है, और आपकी तरफ आता हुआ एक ओ एच है और आपसे दूर जाता हुआ एक हाइड्रोजन है और ये कायरल कार्बन है, इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बनाना है तो फिर से आप यहां पर खड़े हो जाइए और यहां से उसको देखिए, यहां से जब आप उसको देखेंगे तो यहां से आपको ये तो बनाना है किधर, हॉरिजॉन्टल पर, और ये दोनों कहां बनाने हैं, वर्टिकल पर, क्लियर हो गया? तो बना देता हूं नीचे, ध्यान से उसको देखिए, ये लीजिए कितना आसान है। अब देखिए इधर लगाऊंगा हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर लगाऊंगा OH, ठीक है, इधर लगाऊंगा COOH और इधर क्या लगाऊंगा नीचे CH3, ये देखिए बन गया। इससे आसान क्या होगा, देखिए ना वहां से सेम काम किया है मैंने जो ऊपर किया है, इसकी मिरर इमेज बनानी है, ये देखिए यहां से फिर से क्रॉस लगाइए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर COOH, यहां पर OH और यहां पर क्या लगाऊंगा CH3, ये लीजिए। अब इससे आसान तरीके से फिशर प्रोजेक्शन कौन समझा सकता है आपको, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनानी है। नाउ दिस इज सो मच इजी कि हमें यहां कुछ डैश वेज कुछ नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो लाइन खींचने हैं, उसमें मॉलिक्यूल को लिखना है, ये ज्यादा आसान है। अब इससे ही मैं आपको डायस्टीरियोमर समझाऊंगा, क्लियर होता है? अब आगे हम लोग समझेंगे डायस्टीरियोमर और बीजो कंपाउंड, दोनों फिशर प्रोजेक्शन से समझने काफी आसान है, इसीलिए मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन समझाया, ठीक है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपियों के अंदर अगर ऐसे कोई कंपाउंड बने तो उसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देखा, आपको मजा आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए।